नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 22 जुलाई गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कार्मिक विभाग ने 11 IAS अफसरों के तबादले और पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार प्रताप सिंह को CEO दोसा, अमित यादव को ACEO स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जयपुर, रोहित सिंह तोमर को CEO भिवाड़ी अलवर, सुशील कुमार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरतपुर, कनिष्क कटारिया को उपखंड अधिकारी रामगंज मंडी कोटा, राहुल जैन को उपखंड अधिकारी चोमू जयपुर, सलोनी खेमका को उपखंड अधिकारी बडगाम उदयपुर, ऋषव मंडल को उपखंड अधिकारी सुमेरपुर पाली, गिरधर को उपखंड अधिकारी भवानी मंडी झालावाड़, दिग्धे स्नेहल नाना को उपखंड अधिकारी झाडोल उदयपुर और ललित गोयल को उपखंड अधिकारी बूंदी लगाया गया है। जालौर जिले के भीनमाल थाना पुलिस ने टैक्सी चालक का अपहरण कर हत्या करने के मामले का खुलासा करते हुए प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर टैक्सी चालक की हत्या की थी। टैक्सी चालक को आरोपी महिला के साथ अवैध संबंध थे। प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर टैक्सी चालक की हत्या कर दी। हत्या के सबूत मिटाने के लिए शव को जलाकर कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। दूल्हे को लेकर घोड़ी के भागने का वीडियो बुधवार को वायरल हुआ। यह वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। पटाखा चलते ही बिंद की घोड़ी दूल्हे को लेकर भागी तो बारातियों ने 4 किलोमीटर तक उसका पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया। इस हादसे के बाद दूल्हे की तबीयत खराब हो गई। अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र के रामपुरा में दूल्हे के ससुराल में तोरण भरने की तैयारी चल रही थी। पास में शट भी बज रहा था। घोड़ी वाला भी घोड़ी को नचाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान एक बच्चा अचानक पटाखा फोड़ दिया। पटाखे की आवाज सुन घोड़ी भिदक गई, दूल्हे को लेकर भाग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। लोग ने कार और बाइक से घोड़े का पीछा किया। पाली जिले के पुराना हाउसिंग बोर्ड में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग कौशल्या देवी ने घर में बने हौद में कूदकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। औद्योगिक थाना पुलिस ने बताया कि 65 वर्षीय कौशल्या देवी पत्नी सुरेश चंद्र पुरोहित पिछले लंबे समय से BP, शुगर और हृदय रोग से परेशान थी। उनका बेटा भी विमंदित है, उसको लेकर भी चिंता में रहती थी। बीमारी व बेटे की चिंता से वह डिप्रेशन में आ गई और घर में बने हौद में कूदकर खुदकुशी कर ली। अल सुबह सुरेश चंद्र लघुशंका के लिए उठे तो पत्नी पलंग पर नहीं थी। उन्होंने बाहर देखा तो घर में बने हौद का ढक्कन खुला मिला, जिसमें झांकने पर अंदर कौशल्या देवी का शव दिखा। पाली जिले की रायपुर थाना पुलिस ने SP के निर्देशन में हाईवे पर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। यह कार्रवाई जैतारण CO व रायपुर SHO के नेतृत्व में हुई है। पुलिस ने बताया कि पिपलिया कलां स्थित पेट्रोल पंप के पीछे सेक्स रैकेट की मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना पर सत्यापन के लिए पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजा। पुलिस ने 3 वाहनों के दल के साथ मकान में दबिश देते हुए दिल्ली निवासी 2 युवतियां, 2 युवक व 1 संचालक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक मध्य प्रदेश व राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों के HRA में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार मकान किराए भत्ते में 2% तक की बढ़ोतरी को श्री गहलोत ने मंजूरी दी। वाई श्रेणी के शहरों में मकान किराए भत्ते को 16% से बढ़ाकर 18% और जेड श्रेणी के शहरों में यह भत्ता 8% से बढ़ाकर 9% करने की स्वीकृति दी है। मकान किराए भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। सरकार इस पर 400 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय भार सहन करेगी। श्री गहलोत ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% किया। महंगाई भत्ते की दर के 25% की सीमा से अधिक होने पर HRA में वृद्धि की गई। बांसवाड़ा जिले के मोटागांव थाना क्षेत्र में सास की अस्थियां विसर्जन करने आए जमाई की पानी में डूबने से मौत होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात का परिवार बेनेश्वर धाम में पहुंचा था। पानी में नहाने के दौरान अरवल्ली भानमीर निवासी दिनेश की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। गुजरात से मृतक के परिजनों के आने पर आज शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पाली जिले में एक नाबालिग लड़की का शादी के लिए अपहरण करने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला अपने रिश्तेदार युवक की शादी नहीं होने पर तखतगढ़ की एक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दी, जिसके बाद एक्टिव हुई पुलिस ने महिला सहित 4 को गिरफ्तार किया है, साथ ही नाबालिग को भी छुड़ाया। तखतगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि एक महिला ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को रेशमा नाम की महिला बहला फुसलाकर कार में अपने साथ ले गई। कार में 2-3 युवक भी सवार थे। महिला की रिपोर्ट पर उनकी तलाश में नाकाबंदी करवाई गई, जिस पर देवगढ़ पुलिस ने उन्हें पकड़ा। पूछताछ में आरोपी महिला रेशमा ने बताया कि तखतगढ़ में उसका पीहर है, उसके ससुराल में रिश्ते में एक युवक अविवाहित है, ऐसे में इस नाबालिग से शादी करना चाहती थी।
राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लोगों के लिए नई फैसिलिटी शुरू की है। नई फैसिलिटी में अब गाड़ियों के मालिकों को अपनी गाड़ी का कर चुकता प्रमाण पत्र TCC लेने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग अब TCC घर पर ही ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की साइट पर जल्द ही नया पोर्टल जारी करेगा। इसके तहत परिवहन विभाग की साइट पर पोर्टल पर टैक्स क्लियरनेस सर्टिफिकेट सर्विस ऑप्शन को सिलेक्ट कर यह सुविधा ली जा सकेगी। परिवहन कमिश्नर महेंद्र सोनी ने बताया कि अधिकांश गाड़ियों के मालिक इस सर्टिफिकेट लेने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफिसों के चक्कर काटते हैं और उन्हें कई बार परेशानी होती है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में इस व्यवस्था को ऑनलाइन शुरू करने की घोषणा की थी। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार थाना क्षेत्र के धर्मपुरी गांव में मृत्यु भोज में अधिक भीड़भाड़ होने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर तहसीलदार रामेश्वर प्रसाद शर्मा, थानाधिकारी भगवानलाल मेघवाल, SI राजबब्बर और वीर सिंह मौके पर पहुंचे और मृत्यु भोज आयोजित करने वाले लोगों को पाबंद किया। साथ ही प्रशासन ने मृत्यु भोज की सभी सामग्रियों को जब्त कर लिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।